नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले कवर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जोरों से यहां पर अपने खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी संबंध में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक बोरावन पार्क संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल में यहां पर संपन्न हुई, जिसमें कि यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से वहां की सांसद श्रीमती प्रज्ञा ठाकुर व माननीय वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम अपने खून से हस्ताक्षरित पत्र यहाँ पर जो है भेजा गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के द्वारा दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी से चर्चा के उपरांत सरकार द्वारा मांगों का निराकरण नहीं होने से पेंशनरों में भयंकर गुस्सा, भयंकर आक्रोश व्याप्त है। पेंशनरों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार अब और हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले और तत्काल हमारी चार सूत्री मांगे शीघ्र निराकरण करे, अन्यथा हमें अब मजबूरन होकर आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इसकी संपूर्ण जवाबदारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और केंद्र सरकार की होगी। हमारे नेतृत्व संगठन से सेनापति से यह अनुरोध है कि अब विलंब न किया जाए व राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर अपने लक्ष्य की ओर सफल होने के लिए एक बड़ा प्रयास यहाँ पर किया जाए। जैसा कि यहाँ पर प्रपत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल मध्य प्रदेश के नाम यहाँ पर लिखा गया है, जिसके तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पत्र भेजा जाना है, जो कि 6/6/2022 को लिखा गया है। इस पत्र में जो भी कुछ जानकारियां है, ये हमने पिछले भी वीडियो में आपको यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कि यहाँ पर एनएसी भोपाल के संगठन समिति के कार्यकर्ता है आदरणीय आरए धारकर जी, उन्होंने अपने खून से हस्तांतरित पत्र यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम लिखा है और उसमें आदरणीय मोदी जी न्याय प्रदान करे, ईपीएस 95 एनएसी जिंदाबाद भोपाल मध्य प्रदेश, इस तरह से यहाँ पर जो है अपने खून से हस्तांतरित पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों में काफी गुस्सा, काफी रोष यहाँ पर व्याप्त है। अपने खून से पत्र लिखकर अपने खून से हस्तांतरित पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्द पूरी हो। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप एक पेंशनर है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।